नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के तक के प्रमुख खबरों को। गोवा की भारतीय जनता पार्टी ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 मई को राज्य में वैतनिक अवकाश का ऐलान किया था, जिसके बाद राज्य सरकार को विपक्षी दलों और स्थानीय व्यापार निकाय की आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। राज्य सरकार के मुताबिक पड़ोसी राज्यों में चुनाव के दौरान वैतनिक अवकाश अधिसूचित करना एक नियमित मामला था। अधिसूचना में यह कहा गया है कि यह अवकाश सरकारी सेवकों के साथ निजी संस्थानों एवं औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मियों के लिए भी होगा। द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी है कि इस महीने के अंत में 656 फीट चौड़ा एक पत्थर धरती के बेहद नज़दीक से गुजरेगा। इस स्पेस रॉक का नाम 2023 CL3 रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने इस पत्थर को धरती के नज़दीक से गुजरने वाले एस्टेरॉयड्स की श्रेणी में डाला है। दरअसल जब भी किसी स्पेस रॉक से धरती को खतरा लगता है तो नासा उसे इस लिस्ट में शामिल कर देता है और उसे लगातार ट्रैक कर उस पर शोध करता है। शंघाई सहयोग संगठन के मंच से हाल में ही आतंकवाद से लड़ने के वादे को भुलाकर चीन ने पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के संबंध में भारत के प्रस्ताव का विरोध किया है। अजहर जैसे मोहम्मद के सरगना मसूर अजहर का भाई है। भारत ने यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किया था। यह वही अजहर है जो 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण कांड में शामिल था। यात्रियों से भरा यह विमान अपहरण कर अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया था और उसके बदले में मसूद अजहर और अन्य आतंकियों की रिहाई हुई थी। विज्ञान के कदम में आज पूरी दुनिया देख रही है। अब इसी बीच मेडिकल साइंस की तरक्की का प्रतीक दुनिया का पहला सुपर किड पैदा हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खास बच्चे को किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी नहीं होगी और ना ही कोई ऐसा नुकसानदेह जेनेटिक म्यूटेशन होगा जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे 3 लोगों के DNA को मिलाकर बनाया गया है। बता दें कि यह बच्चा इंग्लैंड में पैदा किया गया है। दूरसंचार विभाग ने अप्रैल के महीने में बिहार और झारखंड में 2.25 लाख मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। इनमें से ज्यादातर सिम कार्ड कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए थे। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने 517 पॉइंट ऑफ सेल्स को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया सिम कार्ड जारी करते समय अनैतिक और अवैध गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। गो फर्स्ट एयरलाइन अपनी उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन 24 मई से अपनी उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान सेवा 23 विमानों के साथ शुरू करने की योजना है, जबकि 2 मई तक एयरलाइन के कुल 27 विमान फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड करा रहे थे। इसमें दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स पर 51 और 37 डिपार्चर स्लॉट हैं। फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। एक ओर जहां पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने इस फिल्म को बैन कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। बुधवार को द केरल स्टोरी की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने के लिए आभार व्यक्त किया। योगी और टीम की मुलाकात की फोटो CM के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर साझा की गई है। सिस्को के CEO चक रॉबिन्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने PM मोदी से चर्चा की और बताया कि उनकी कंपनी ने निर्यात के बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिस्को ने भारत समेत दुनिया भर में अपने ग्राहकों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए अगले कदम के रूप में इंडियन मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग में निवेश की घोषणा की है। देश में सेमीकंडक्टर यानी चिप निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस उद्योग को प्रोत्साहन और सहायता के लिए $10 अरब की योजना के लिए फिर से आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आवेदन जमा करने के लिए पिछले 45 दिनों की सीमा को खत्म करते हुए इसे लंबे समय तक खुला रखा जा सकता है। ऐसे में सरकार जब तक आवेदन स्वीकार करने के लिए तैयार है तब तक इसका $10 अरब का बजट खत्म नहीं हो जाता। तमिलनाडु जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है। मनीष को अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा, क्योंकि इनके ऊपर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर वहां के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपनी मुहर लगा दी है। मतदान के दौरान जलंधर के शाहकोट विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे बाबा बकाला से आम आदमी पार्टी के विधायक दलवीर सिंह टोंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। जिले में कई जगह आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। रोक के बावजूद दूसरे जिलों के कई आप विधायक जलंधर में घूमते मिले। वित्त मंत्रालय घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर चालू वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ की मंजूरी डालने पर निर्णय करेगा। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने पिछले साल तीनों बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कारोबार के बजाय मुनाफे पर ध्यान देने को कहा था। साथ ही बेहतर मूल्यांकन के साथ सिर्फ अच्छे प्रस्ताव पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।
यूपीएससी ने साल 2024 एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दिया है। वे कैंडिडेट्स जो यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में बैठना चाहते हो, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ये कैलेंडर चेक कर सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि अगले साल कौन सी परीक्षा किस तारीख पर आयोजित होगी। इस हिसाब से वे अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये सभी गौर कर लें कि ये जानकारी सांकेतिक है, जिसमें बदलाव संभव है। एग्जाम कैलेंडर देखने के लिए upsc.gov.in पर जा सकते हैं। भारत की मेजबानी में इसी साल अक्टूबर नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। इसका शेड्यूल भी जल्द जारी होने की संभावना है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारत के आने को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इसी बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से एक और अपडेट सामने आया है। उन्होंने पीटीआई से कहा है कि भारत का पाकिस्तान आना और पाकिस्तान का भारत जाना बीसीसीआई या पीसीबी पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए पीसीबी वैश्विक आयोजन में अपनी भागीदारी के बारे में आईसीसी को कोई आश्वासन नहीं दे सकता। भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदी पर पिछले वित्त वर्ष में $5 अरब यानी 40,965 करोड़ रुपए की रकम बचाई है। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों की ओर से मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद इस समय दुनिया में सबसे सस्ते तेल बेच रहा है। इसका फायदा उठाते हुए भारत ने 2022-23 में रूस से जमकर तेल की खरीदारी की है। गूगल में इस वर्ष के अपने वार्षिक मेगा इवेंट में कई नए उत्पाद और सेवाओं को लॉन्च किया। गूगल आईओ 2023 के नाम से हुए इस इवेंट में पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने सबसे ज्यादा जोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दिया है। चैट जीपीटी और मिड जर्नी के मुकाबले कंपनी ने अपने पहले एआई चैटबॉट गूगल बोर्ड को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और स्मारक डाक टिकट पर सिक्का भी जारी किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि मैं उस दिन को कभी नहीं भुला सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। इससे भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया था, बल्कि भारत के वैश्विक कद को भी ऊंचाई दी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने साफ कर दिया है कि भूमि लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ अन्य सभी मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। फैसले को पढ़ते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। देश के सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि इस निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण होना जरूरी है। अपने देश में अक्सर यह बातें होती रहती हैं कि लैपटॉप हो या बल्ब चीन में बना होगा। सड़क से लेकर घर में सोफे के बगल चमचमाती कलाकृति भी आपको चीन में बनी मिल जाएगी। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत की आर्थिक प्रगति चीन की कार्यकुशलता पर हासिल नहीं की जा सकती है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सशक्त घरेलू वेंडर चेन बनाने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंधे गुट के भारत गोगा वाले को शिवसेना पार्टी का सचेतक नियुक्त करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को गैर कानूनी बताया है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मुद्दों पर अध्ययन की जरूरत है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव से उनके अयोग्यता नोटिस जारी करने के अधिकार सीमित हो जाएंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का निर्णय भारत के संविधान के अनुसार नहीं था। दिल्ली में रिहायशी कॉलोनियों और बाजारों और सड़कों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एमसीडी ने एक स्मार्ट पहल तैयार की है। इसके सफाई कर्मचारियों के लोकेशन ट्रैक करने के लिए उन्हें स्मार्ट वॉच दिए जाएंगे ताकि पता चल सके कि रोजाना वे किस एरिया में कितनी दूरी तक सफाई कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए स्मार्ट वॉच से वे अपनी हाजिरी भी दर्ज करा सकते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद संकट में घिरे गौतम अडानी समूह को मॉरिशस की सरकार ने बड़ी राहत दी है। मॉरिशस के वित्तीय सेवा मंत्री ने संसद में बताया है कि देश में अडानी समूह की फर्जी कंपनियों के मौजूद होने का आरोप लगाने वाले हिंडनबर्ग रिपोर्ट झूठ और आधारहीन है। कर्नाटक चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल चुनाव में जीत का इशारा कांग्रेस की तरफ हो रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमें एग्जिट पोल नहीं, जनता के पोल पर पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार और विपक्षी एकता बातचीत के संबंध में मुंबई गए हुए। इसी दौरान नीतीश कुमार के साथ प्रेस को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने विपक्षी एकजुटता के मुहिम पर कहा है, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी एक साथ आए हैं। पंजाब के नंगल में गैस रिसाव के कारण पास में स्कूल के छात्रों और शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव ने कहा है कि बच्चों के माता पिता से भी बात की है, हमने बच्चों से और डॉक्टरों से बात की है, हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है, जिसकी गलती पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हम स्थिति का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। मुरादाबाद में कृषि विभाग किसानों के हित में लगातार प्रयास कर रहा है, तो वहीं इसी को लेकर किसानों को उनकी जूतियां कृषि भूमि के आधार पर खाद उपलब्ध कराने और उर्वरकों को कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग की ओर से उर्वरक विक्रेताओं के साथ लगातार बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही उनको चेतावनी भी दी जा रही कि यदि वह सरकार के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, उनके खाद विक्रय लाइसेंस तक को निलंबित कर दिया जाएगा।
सरकार ने जीएसटी के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। 1 अगस्त से 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले व्यापारियों को B2B लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को सभी B2B लेन देन के लिए ई इनवॉइस जनरेट करना आवश्यक है। वित्त मंत्रालय ने 10 मई को ई चालान के लिए लेन देन की सीमा में होने वाली कमी को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 1 अगस्त से प्रभावी होगा। बीते दिनों राहुल गांधी बिना किसी पूर्व सूचना के दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। उन्होंने वहां हॉस्टल में जाकर छात्रों से मुलाकात भी की थी। राहुल गांधी के इस मुलाकात पर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। DU ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसे दौरे नहीं करने की बात कही है। आजकल हर कोई मैसेज और चैट के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और व्हाट्सएप पर अज्ञात यानी अननोन नंबरों से मिस्ड कॉल आ रहे हैं। ये सभी कॉल विदेशी नंबर से किए जा रहे हैं और यूजर समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब सरकार इस पर एक्शन लेने जा रही है और व्हाट्सएप पर अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से अनचाही कॉल और रिकॉर्डिंग मामले पर सरकार नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के लोगों की सेवा करने के बजाय कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने पर ध्यान केंद्रित करने संबंधी बयान को लेकर राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बुधवार को रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि राज्य कांग्रेस के स्वार्थ की राजनीति के परिणाम भुगत रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है MD साकिर हुसैन, अमन कुमार, अंशुप्रिया, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, दयाशंकर और दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार देश में चल रही विपक्षी एकजुटता की मुहिम कितनी सफल रहेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।